दोस्तों, क्या आप लोग सीखना चाहते हो कि आईपीओ में कैसे अप्लाई करें? अगर हाँ है तो बिना स्किप करे वीडियो को देखते रहिए, और नए आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो एंजल वन ऐप से। और हाँ दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को डीमैट अकाउंट चाहिए। अगर आप लोगों को एंजल वन में अकाउंट ओपन करवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो यहाँ पर चलिए अब बात करते हैं कि आप लोग आईपीओ में कैसे अप्लाई करोगे। तो गाइस, आप लोग जैसे ही ऐप को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में यहाँ पर आईपीओ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और ये दोस्तों अपडेट के साथ चेंज होता रहता है, कभी इधर होता है कभी इधर होता है। तो यहाँ पर तो दोस्तों आज इधर दिया गया है, आज है दोस्तों 15 फरवरी 2024। तो गाइस, यहाँ पर आईपीओ का ऑप्शन हमें ऊपर की साइड में देखने को मिल रहा है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ओपन और अपकमिंग आईपीओ हमें देखने को मिलेंगे। आप लोग देख सकते हो ये सारे आईपीओ हमें देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम लोग ये जो पहला आईपीओ है V4 स्टील ट्यूब्स, उसमें अप्लाई करने वाले हैं। और दोस्तों ऑलरेडी मैं दो आईपीओ में अप्लाई कर चुका हूँ इससे पहले, एक तो इनोवा कैपटेप जिसमें हमें आईपीओ नहीं लगा, लेकिन एक दूसरा दोस्तों आईपीओ था जो कि हमको मिल गया था भाई देखो। और ये फर्स्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था और मुझे मिल गया था। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपली क्या करना है कि हम लोगों को दोस्तों जिस आईपीओ पे अप्लाई करना है उस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों 141 रुपी लो है, और लो दोस्तों प्राइस यहाँ पर लिखी हुई है 13,959, लगभग 14,000 रुपए। अगर आप लोग दोस्तों हाई जो प्राइस है 151 उससे पे करते हो तो गाइस आप लोगों को दोस्तों ये जो पड़ेगा लगभग 15,000 के आसपास, ये आप लोग देख लीजिए कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर दोस्तों बहुत सारे आईपीओ आते रहते हैं जिसमें अलग अलग सीन होता है, वो तो आपको पता होगा। तो आप लोग दोस्तों ये मिनिमम बैलेंस से मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतना है, और मैक्सिमम ज्यादा जो भाई लिखा हुआ है 151 रुपए, वो आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो कि भाई 99 जो शेयर है, आप लोग जिस भी आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो उसके कितने शेयर है और हाई प्राइस क्या है उसे कैलकुलेट करो कैलकुलेटर में जाके। तो अभी दोस्तों हम लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखो आईपीओ ट्रैकर जो दिया गया है, आज दोस्तों 15 तारीख है और आज दोस्तों शाम को ये वाला जो आईपीओ है वो एंड होने वाला है, ऑफर एंड होने वाला है। तो आज हम लोग दोस्तों इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों अप्लाई नाउ पे हमें क्लिक करना है, और यहाँ पर दोस्तों आप लोग लॉट साइज डालिए। यहाँ पर ऑटोमेटिकली दोस्तों लॉट साइज आ जाएगी, आप लोग देख सकते हो एक लॉट साइज दोस्तों हमको मिलेगी रिटेलर को। और यहाँ पर दोस्तों इंडिविजुअल और हाई प्राइस जो लिखी हुई है आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मेरा UPI ID यहाँ पर आ चुका है ऑटोमेटिकली। आप लोग दोस्तों अकाउंट ओपन करोगे तो आपको दोस्तों अपना अकाउंट भी ऐड करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट, और वही UPI आप लोग डालना जो कि भाई हो एंजल वन के साथ या फिर किसी भी एप्लीकेशन का यूज करते हो जिस अकाउंट के साथ आप लोगों ने लिंक करा है अपने डीमैट अकाउंट को, तो उसी के UPI ID उसी बैंक से आप लोग अप्लाई करने की कोशिश करना, तो चांसेस है कि आपको आईपीओ मिल जाए। और यहाँ पर हम लोगों ने इंडिविजुअल डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हो इंडिविजुअल एम्प्लॉय नहीं, हम लोग इंडिविजुअल है। और यहाँ पर डीमैट अकाउंट नंबर आ चुके हैं जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकता, ठीक है। यहाँ पर टोटल पेबल अकाउंट हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों 0 रुपए चार्ज मतलब कि लगने वाला है, कुछ नहीं लगने वाला। और 151 रुपए दोस्तों यहाँ पर लिखे हुए मिनिमम दोस्तों इन्वेस्टमेंट है 141, आप लोग 141 डाल सकते हो 141। ये दोस्तों आज का ये आईपीओ है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन दोस्तों बाकी सारे जो आईपीओ आते हैं उसमें प्राइस अलग अलग हो सकती है। लेकिन आप लोग देखो मिनिमम हम लोग 141 जो लिखा वो डाल सकते हैं, कई आईपीओ में दोस्तों 150 होते हैं, 160 होते हैं, 700 होते हैं मिनिमम, वो तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हम लोग क्या करेंगे, केवल अप्लाई फॉर आईपीओ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो आईपीओ है वो अप्लाई हो चुका है। बस उसी तरीकों से यहाँ पर व्यू ऑर्डर डिटेल में जाके हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि अपना जो आईपीओ है वो क्या है, उसका स्टेटस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने आईपीओ को तो अप्लाई कर दिया है, लेकिन अभी दोस्तों जो पेमेंट है वो मतलब कि अप्रूव नहीं हुई है। अप्रूव करने के लिए दोस्तों ये हम लोगों को जो भी हम लोगों ने UPI आईडी दी होगी, यहाँ पर आप लोग देखो मुझे इन लोगों ने दोस्तों ये भेजा है ऑटो पे का ऑप्शन इमेडिएट करने के लिए, ताकि दोस्तों पेमेंट अप्रूव हो जाए, मतलब कि हमारा जो आईपीओ है वो अप्लाई हो जाए, सबमिट हो जाए, ताकि दोस्तों बाद में अगर अलॉटमेंट हमें होती है तो हम लोगों को आईपीओ मिलना हो तो मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता भाई हम लोगों को रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हमारी जो पेमेंट है वो नहीं हुई है, हम लोगों ने आईपीओ को तो अप्लाई कर लिया, लेकिन उसके बाद दोस्तों इमेडिएट करने के लिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है इफ यू हैव नॉट रिसीव द पेमेंट मैंडेट एट प्लीज कैंसिल योर करंट आईपीओ एप्लीकेशन एंड री अप्लाई, मतलब कि अगर हम लोगों को दोस्तों ऐसा मैंडेट करने के लिए ऑप्शन नहीं मिलता है तो हम लोग कैंसिल करके दोबारा से करेंगे। तो हम लोगों को दोस्तों इनकी ओर से जो भी हम लोगों ने UPI ऐप की लिंक दी होगी तो उसमें दोस्तों हम लोगों को पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ ऑटो पे रिक्वेस्ट फ्रॉम वीहोर स्टेट, तो यहाँ पर हम इसे क्लिक करेंगे, अपने जीपे को ओपन कर लेंगे। जीपे को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखो हम लोग गाइस ऑथराइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर इंटर UPI पिन डाल के हम लोग गाइस पेमेंट को अप्रूव कर देंगे।
तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने अप्रूव भी कर दिया, अप्लाई भी कर दिया, तो हम लोगों को दोस्तों मैसेज भी मिल जाएगा कि आपका इतना पेमेंट होल्ड पे है। होल्ड पे क्यों है, क्योंकि दोस्तों अलॉटमेंट होगी कल 16 तारीख को। आप लोग जिस भी आईपीओ को अप्लाई करोगे तो जब तक दोस्तों उसकी अलॉटमेंट है तब तक दोस्तों आपका जो पैसा है वो मतलब कि होल्ड रहेगा। अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो गाइस आपके पैसे कट जाएंगे, अगर नहीं मिलता है तो गाइस वो पैसा होल्ड रहने के बाद आपको रिफंड मिल जाएगा जितनी जो डेट दी है उसके मुताबिक। तो कुछ इस तरीके से आप लोग आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो।